गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 प्रेम में परमेश्वर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। बेटे ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। पहला है, मूरत के चरित्र की क्या विशेषता थी? मूरत बड़ा सदाचारी सत्यवक्ता, सत्यवक्ता बेटे सच बोलने वाला, व्यवहारिक और सुशील था। वह कभी कम नहीं बोलता था, वह कभी कम नहीं तोलता था। अगर चीज अच्छी ना होती तो ग्राहक से साफ साफ कह देता, किसी को धोखा नहीं देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूरत के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या थी जिसने उसके विश्वास को हिला दिया? मूरत के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि उसके कई बालक मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। 20 वर्ष की अवस्था में ये बालक की भी मृत्यु हो गई। अब मूरत के शोक की कोई सीमा ना थी जिससे उसका विश्वास हिल गया। नेक्स्ट, भगवत भजन के प्रेमी मूरत ने मंदिर जाना क्यों छोड़ दिया? भगवत भजन के प्रेमी मूरत ने मंदिर जाना इसलिए छोड़ दिया, जब उसके जीने का आखिरी सहारा उसके बेटे की मृत्यु हो गई, तब वह कहने लगा, परमेश्वर बड़ा निर्दयी और अन्यायी है, मारना बूढ़े को चाहिए और मार डाला युवक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुखी मूरत के मन में ईश्वर भक्ति का विश्वास किसने और कैसे जगाया? दुखी मूरत के मन में ईश्वर भक्ति का विश्वास उसके पुराने मित्र ने जगाया और कहा कि परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करने से परमानंद प्राप्त होता है। नेक्स्ट बेटे, मूरत का जीवन आनंद पूर्वक कैसे बीतने लगा? मूरत ने ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में उसे पुस्तकों से प्रेम हो गया। वह गीता पढ़ना और उसके उपदेशों पर विचार करता था। वह सदा परमात्मा में लीन रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। नेक्स्ट, गरीब स्त्री ने मूरत को अपने जीवन की दुख भरी कथा सुनाते हुए क्या कहा? गरीब स्त्री ने मूरत को अपने जीवन की दुख भरी कथा सुनाते हुए ये कहा, जहाँ रसोई का काम करती थी उसने बालक होने पर नौकरी से निकाल दिया। 3 महीने से मारी मारी फिर रही हूँ, जो कुछ पास था वह सब बेचकर खा गई। नेक्स्ट बेटे, मूरत ने बालक को क्षमा करने के लिए से बेचने वाली स्त्री को क्या समझाया? मूरत ने बालक को क्षमा करने के लिए से बेचने वाली स्त्री को ये समझाया कि बदला और दंड देना मनुष्य का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं, वह दयालु है। यदि बालक को सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमारे अनंत अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, पापों का क्या दंड मिलना चाहिए? बेटा ये क्वेश्चन आंसर तुम्हें समझ आ गए होंगे, इसको ध्यान पूर्वक याद करना और जिसकी कॉपी कंप्लीट नहीं है वो फिर लिख लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।